लेक्चर का आर्टिकल 184(3). जी आर्टिकल 184(3) अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और जुडिशियल और टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इतना इसका स्कोप ज्यादा है, ठीक है, कि इसके ऊपर मैं 3 घंटे भी बोलूँ ना तो थोड़े भी हैं और जो है वो आर्ग्यूमेंट्स खत्म नहीं हुए, लेकिन चूंकि हमने इसको स्ट्रक्चर्ड रखना है, ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं कि आप को जो हमारा स्टूडेंट टीचर का एक लेवल है उसके ऊपर आगे बात करें, ठीक है, और बात समझ भी आए और बात जो है वो कल फिर आप लिखने के काबिल भी हो सके, ठीक है। और लॉ की आपको पता है लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी वो वैसे भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो जी सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 184(3) है क्या। आर्टिकल 184(3) जो है ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो पावर्स के साथ। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए सो मोटो का वर्ड जो है वो हो सकता है क्या हो, नया, तो इसलिए इसकी आसान तशरीह लिख लीजिए कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस किस इशू के ऊपर, वो मैं बाद में आता हूं, किसी भी मामले को आज खुद टेकअप कर सकती है, यानी कि उसके लिए किसी दरखास्त का देना जरूरी नहीं है, उसके लिए किसी पिटीशन का फाइल करना जरूरी नहीं है। ये आर्टिकल इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो आज खुद नोटिस या सो मोटो एक्शन ले सकती है। अब अगला सवाल कि 184(3) है क्या। 184(3) कहता है दो चीजें। नंबर वन, इफ देयर इज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नंबर वन। नंबर टू, इफ देयर इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो या फंडामेंटल राइट्स का मैटर हो, तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत सो वोटो की प्रोसीडिंग्स को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। क्लियर होगी जी बात, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो या फंडामेंटल राइट्स का मैटर हो, क्लियर होगी बात जी। अब यहां एक और आर्टिकल है आईन का, उसका भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर रिट पिटीशन ले सकती है, आज खुद नोटिस नहीं ले सकती, रिट पिटीशन ले सकती है, ठीक है, यानी कि आपको जाना पड़ेगा, आपको वहां दरखास्त जमा करानी पड़ेगी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। तो इसलिए 184(3) को जब पढ़े तो साथ आप अपने दिमाग में 199 जो है उसको भी रखिए। अब मेरा ख्याल है इस लेक्चर का जो पहला हिस्सा है वो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि why I have put the title so, because क्योंकि 184(3) को माना जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंश्योर कराने के लिए जुडिशरी के पास एक क्या है, एक आर्म है, एक उनका वेपन है। तो ये बात समझ आ गई, क्योंकि आर्टिकल 184(3) कह रहा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो या बुनियादी इंसानी हुकूक का मैटर हो तो लिहाजा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सो मोटो की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और फिक्रा भी लिखा हुआ है, एक और फ्रेज भी लिखा हुआ है, और अ टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस 184(3) की पावर को इस्तेमाल करते हुए इतना आगे गुजर जाती है कि वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी उनके काम के अंदर मुदाखलत कर देती है, और ना सिर्फ मुदाखलत करती है बल्कि इस हद तक मुदाखलत करती है बाजुकात कि अपना लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव उनका चलना, उनका काम करना बाजुकात मुश्किल हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो ये इस वजह से हमने इसको कहा है कि क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक बचाने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है या फिर ये जुडिशरी के हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी वो शिक है
जिसको यूज करके तो जुडिशरी पूरी रियासत के जो बाकी इदारे उनको पैरालाइज करके उनके ऊपर सुपर पार्लियामेंट या सुप्रा पार्लियामेंट और सुप्रा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर क्या करती है, एक्ट करती है। ये आज के हमारा जो मौजू है उसकी डिबेट है, उसकी एक वो स्कोप है जिसके अंदर रह के तो आपने इस सारे मौजू को क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से सुनना। क्लियर होगी जी बात? ठीक है, अब हमें यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन सीखनी। नंबर वन, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? जी, जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन लिखिए, एक्सेसिव हाइपर एंड कंसिस्टेंट यूजेज ऑफ आर्टिकल 184(3). हाइपर, एक्सटेंसिव, कंसिस्टेंट एंड रेगुलर यूजेज ऑफ 184(3) बाय सुप्रीम कोर्ट, अननेसेसरी। अब आप कहेंगे कि जब आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कॉग्निजेंस 184(3) के तहत, तो इसमें अननेसेसरी और हाइपर और एक्सटेंसिव कहां से आ गया? तो इसके लिए अगली हेडिंग बनाएं जी कि नेचर ऑफ आर्टिकल 184(3). नेचर ऑफ 184(3), ताकि आपको पता चले कि 184(3) की नोयत क्या है, क्यों इसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट लिखे, फौजी फाउंडेशन वर्सेस शमीमुर रहमान, केस लॉ लिख लें, रेफरेंस लिख लें, सी लॉ के बच्चों को पता लग गया कि केस लॉ क्या है, पोल साइंस वाले बच्चे इसको क्या लिख लें, रेफरेंस लिख लें, जिस तरह किसी किताब का रेफरेंस होता है कि जो बातें मैं अब अगली तीन चार कहूँ वो किस में लिखी हुई है, वो इस केस में लिखी हुई है, फौजी फाउंडेशन वर्सेस शमीमुर रहमान। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिफाइन कर दिया कि 184(3) क्या होता है। इसका दूसरा केस ना लिखे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशूड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस जमाल मंदोखेर, और ये ऑर्डर परसों आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस जमाल मंदोखेर, इन दोनों फैसलों में 184(3) का जो नेचर है वो बयान किया गया। नंबर वन, एक तो ये स्पेशल पावर है, रेगुलर पावर नहीं, इट इज अ स्पेशल पावर। नंबर टू, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। नंबर थ्री, इट मस्ट बी यूज इन एक्सेप्शनल केसेस। इट मस्ट बी यूज्ड, और चौथी और सबसे खतरनाक चीज, जो बच्चे हमारे पोल साइंस के हैं उनके लिए मैं दोबारा बता दूं कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम आर्टिकल 175 के तहत या ओवरऑल भी कैसे काम करता है कि नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान। इसके बाद पाकिस्तान में कोर्ट ऑफ लॉ कोई भी मौजूद, अब कॉमन सेंस यूज करनी है कि जिस केस को उठाया ही सुप्रीम कोर्ट लेवल पर गया है और उसका डिसीजन भी आ गया, उसके मुखालिफ में अपील कहां करेंगे आप? लोअर कोर्ट में तो अपील नहीं करेंगे, वो तो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ जाएगी, गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इस वजह से लिखी कि ये आर्टिकल जो है इसको कहा जाता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, कि सुप्रीम कोर्ट को अदल का मुजाहरा करना चाहिए जब वो 184(3) को प्रवोक करे, क्योंकि उनको पता है कि वंस वी गिव द डिसीजन इन दिस जजमेंट इट कैन नेवर बी रिवर्स्ड, इट इज नेवर गोइंग टू बी रिवर्स्ड। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी एक पार्टी के साथ ज्यादती होगी, अग्रीव्ड पार्टी, वो कहां जाएगी? वो कहीं भी नहीं जाएगी।
जी बात समझ आ रही है आपको? ठीक। और इसी वजह से फिर ये जो आज का तनाजा है, ये जो अभी चल रहा है, ये भी अभी समझ आएगा आपको कि ये सारी बहस जो चल रही है पाकिस्तान में आजकल, ये क्यों ऐसा चल रहा है। समझ आ गई बात? तो ये आर्टिकल एक्सेप्शनल केसेस के लिए है, डिस्क्रिशनरी इन नेचर है, ठीक है, स्पेशल है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्लियर हो गई बात? अब जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन दोबारा पढ़ेगा। एक्सेसिव यूज, अननेसेसरी यूज ऑफ आर्टिकल 184(3) इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। आप समझ आ गए कि आर्टिकल की नोयत ये है कि आपने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना हालात में इसको इन्वोक कर लिया। लेकिन जी, लेकिन जी, लेकिन लेकिन क्या होगा? ठीक है, लेकिन होता क्या है पाकिस्तान में कि दो बड़े इराज, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और चीफ जस्टिस साकिब निसार, ये दोनों इराज, बल्कि ये दोनों इराज नहीं, मैं आप थोड़ी सी आज आपसे और भी बात, 1990s ऑनवर्ड, 1988 सॉरी, एक केस आया था बेनजीर भुट्टो केस, पहला वो लिखे और एक और केस का नाम लिखे, दर्शन मसीह केस, DARSHAN, जी दर्शन मसीह केस, एंड नंबर टू बेनजीर भुट्टो केस। ये दो केसेस हैं उसके बाद से आज तक जुडिशरी लार्जली किसके ऊपर चल रही है? जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर चल रही है। यानी कि, और एक और वर्ड भी यूज करना है मैंने, वो भी लिख लिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी आर्टिकल का या 199 का एक दूसरा नाम भी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि अवामी मफाद में किए गए जो फैसले, अवामी मफाद में की गई जो जुडिशरी है, अच्छा जी अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की रोशनी में कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं आर्टिकल 184(3) पर, कि वो कौन से केसेस हैं जिनको आप 184(3) के तहत ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये लिखें जी, सबसे पहली जो लिमिटेशन है, और भी बड़ी है, मैं एक एक करके बता, सबसे पहली बात, मियां शहबाज शरीफ केस, या लिख लें पूरा केस, लिख लें नाम, लिख लें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्सेस द स्टेट, इस केस में मियां शबाज शरीफ ने डायरेक्ट बेल की पिटीशन फाइल कर दी थी जमानत के लिए अंडर आर्टिकल 184(3). एक बंदा अरेस्ट हुआ हुआ, उसने अपनी जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी किस आर्टिकल के तहत? 184। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 184(3) बेल एप्लीकेशन लेने के लिए नहीं है। तो पहली लिमिटेशन लिख ले कि बेल के जो केसेस होते हैं, बेल पिटीशन होती है, वो 184(3) के ऊपर लिमिटेशन है, कदगन है। दूसरी लिमिटेशन कि जो 184(3) है, वो क्लियरली लिखता है कि वो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, प्राइवेट इंपॉर्टेंस का नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बड़ी लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल नहीं शामिल, इंडिविजुअल या प्राइवेट राइट नहीं डील करता 184(3). 184(3) डील करता पब्लिक राइट्स, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में खुद लिखा है, उसका नाम लिखिए, मिस नूर जहां वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मिस नूर जहां वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और नंबर थ्री, तीसरी लिमिटेशन, कोर्ट ने कहा है कि
कि कोर्ट जो है, कोर्ट जो होती है ये क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि एक तो पार्लियामान लॉ बनाती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आती है वो भी आपको पता है किसका हिस्सा होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का हिस्सा होती है। इसलिए एक केस लिखें स्टेट वर्सेस जियाउर रहमान, कोर्ट आर क्रिएचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स आर अच्छा जी ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी पीडीएम ने कल वो लॉ पास किया ये वो दिस डैट, अभी उस स्टेज पे हम पहुंचे नहीं है, उसको समझाने के लिए तो सारी मेहनत कर रहा हूँ, उसको समझाने के लिए तो ये मेहनत कर रहा हूँ कि वो सब कुछ चल गया रहा है, पहले ये समझोगे तो फिर वो आपको बात समझ आएगी। ठीक है, तो प्लीज इस तरह का जिसका भी सवाल वो वेट करे वो एंड पे लेके चले। ठीक है जी, केस का नाम दोबारा बता देता हूँ, स्टेट वर्सेस जियाउर रहमान, स्टेट वर्सेस जियाउर रहमान। एक और लिख लें केस इसी चीज का, तारिक ट्रांसपोर्ट कंपनी केस, तारिक ट्रांसपोर्ट कंपनी केस, और पांचवी लिमिटेशन बहुत तगड़ी है और इसका ताल्लुक है इस केस के साथ, जिसको कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल बंदोखेल ने लिखा भी है, ये मैं इसका रेफरेंस लिख लिया, जो कल वाला ऑर्डर आया ना परसों वाला, ये उसमें से पढ़ के बता रहा हूं, और ये पहले भी तारीख में भी पहले केसेस बताता हूं उनमें भी ये मेंटेन है। अगर आर्टिकल 199 के तहत कार्रवाई हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी सेम केस की, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर 1843 के तहत 100 मोटो नहीं ले सकती। इफ द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199, देन द रिट पिटीशन या 100 मोटो ऑफ आर्टिकल 1843 इज नॉट मेंटेनेबल। ये लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, इज नॉट मेंटेनेबल। इसमें तीन केस लॉ दे देता हूं आपको, नंबर वन फरोग अहमद सदीकी वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध, फरोग अहमद सदीकी, कराची वालों की मैं उर्दू का फैन, कमाल वो एमक्यूएम के लोगों की उर्दू सुनी आपने है? कमाल उर्दू बोलते सिद्दीकी, सही हमजा सिद्दीकी बोल देते वो पूरा ऐसे है सिद्दीकी। ठीक है तो जी फरोग अहमद सिद्दीकी साहब वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध थ्रू सेक्टरी एक्साइज एंड टैक्सेशन, पूरा केस का नाम है थ्रू सेक्टरी एक्साइज एंड टैक्सेशन, जी, और दूसरा ऑर्डर लिखें जो कल आया है परसों, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशूड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह, नंबर सिक्स छठी लिमिटेशन कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की म्यूचुअल जुरिस्डिक्शन हो उसको कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो इस पर अमेरिका, बर्तानिया, पाकिस्तान, इंडिया तमाम जुरिस्ट मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वॉलंटरली ऐसे केसेस से अलहदा हो जाना चाहिए जिन पर यह रौला बन जाए कि ये हाई कोर्ट की डोमेन में आते हैं, या क्योंकि हाई कोर्ट में वापस जाएगा केस तो अगर उधर से फैसला किसी पार्टी के खिलाफ आ भी जाता है तो एटलीस्ट उसके पास अपील का हक तो होगा कहां पर, सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट स्नैच कर ले इसका मतलब है अग्रीव्ड पार्टी का आपने राइट टू अपील भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो दैट इज व्हाई वॉलंटरी विथड्रॉल फ्रॉम द कॉन्करेंट ज्यूरिस्डिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद करना होता जी, वॉलंटरी विथड्रॉल
जी फ्रॉम द कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, जी अब आते हैं, ये बात समझ आ रही है अब आप? ये थी आर्टिकल 184(3) के ऊपर लिमिटेशंस, और भी हैं लेकिन हमारे हाजमे के लिए 20 नंबर के सवाल के लिए मोर देन इनफ, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग बना ले कि 184(3) की स्पिरिट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला क्यों गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कोई भी आइन में लॉ बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कोई भी, उसकी कोई स्पिरिट होती है, उसका कोई एसेंस होता है। तो स्टूडेंट्स इसका एसेंस है दो का, पहला मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहरी हैं वो अपने राइट्स किसके मुताबिक एंजॉय करें, लॉ के मुताबिक एंजॉय करें। नंबर टू इसकी स्पिरिट है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और इसका ओरिजिन लिख लें और इसका दूसरा नाम भी लिख लें प्लीज, मैंने पहले भी लिखवाया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, 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 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब गौर से सुनिएगा जी, बहुत गौर से, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, ये मॉडर्न दुनिया का असूल है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, लेजिस्लेशन, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों कंट्रीज दुनिया में लीडिंग कंट्रीज हैं, या जिनको कम से कम हमारी जुडिशरी ने कोर्ट किया है, जहां से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आगाज हुआ। उनकी इंटेंट क्या था, उन्होंने उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इस्तेमाल करके अपने मुआशरे में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आए। अमेरिका में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नतीजे में आया। अमेरिका में स्लेवरी का खात्मा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू हुआ। अमेरिका में रेसिज्म का खात्मा कम अज कम कानूनी हद तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत, ठीक। अमेरिका में इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक स्फीयर बाय द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। इंडिया में जितनी डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो डिप्रेस थे, पोर थे, हंगरी थे, जो मार्जिनलाइज थे, उनको जस्टिस मिला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। ये स्पिरिट थी, ये स्पिरिट नहीं थी कि इन दोनों इदारों को काम नहीं करने देना, स्पिरिट ये थी कि मुआशरे को आगे लेकर जाना, मुआशरे को तरक्की करा दी, ठीक है, जो फंसे हुए मसले उनको रिजोल्व कराना है, लोग जो पिसे हुए उनको इंप्रूव कराना है, ये स्पिरिट थी। अमेरिका से दो केस ना लिख लें, मर्बरी वर्सेस मेडिसन, मर्बरी वर्सेस मेडिसन और ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया में लिख लें, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उस केस में उस टाइम के जस्टिस जस्टिस गोस्वामी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहा था, लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूं, केस का नाम स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस गोस्वामी ने कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द ऑप्रेस्ड पीपल, ऑप्रेस्ड एंड द बिविल्डर्ड पीपल ऑफ इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन is the last resort for the oppressed and the bewildered segments of the society,
और एक बंदा है ये जूरिस्ट है, बड़ा रिस्पेक्टेबल है, पाकिस्तानी जजेस जिनकी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ के ये लेक्चर बनाया, दे हैव कोटेड हिम वेरी एक्सटेंसिवली, उसका नाम लिखिए, उपेंद्रा बख्शी, UPENDRA, उपेंद्रा BAXI बख्शी, उसकी किताब है, किताब का नाम लिख लें, टेकिंग सफरिंग सीरियसली, टेकिंग सफरिंग सीरियसली, और उसमें वो कहते हैं, ये मैं सिर्फ बोल देता हूं, आप इसका सिर्फ जो भी एक दो लफ्ज याद आ जाए दरमियान में वो लिख लें, क्योंकि बात तो ऊपर जो हो गई गोस्वामी साहब ने की है, बात हुई है, सुनिएगा जरा, वो कहते हैं कि पीपल नो दैट द कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ इंटरवेंशन विच कैन बी इन्वोक्ड टू एमिलिएट देयर मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम रिप्रेशन गवर्नमेंट लॉलेसनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेंस, यानी कि रियासती जबर हो या माशरे के मसाइल हो, लोगों को उससे जो ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है, लोगों को आप पता चल गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ वो है कोर्ट, वो क्या कर सकती है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत हमारे मसलों को क्या करा सकती है, रिजॉल्व करा सकती है। और पाकिस्तान में मैंने बताया आपको कि दो केसेस बुनियाद हैं इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आगाज की, पहला बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरे का नाम मैंने आपको पहले लिखवाया, दोबारा लिख रहे, दर्शन मसीह केस, ये 90s का केस है, अर्ली 90s का दर्शन मसीह केस, और मैं आपको डेटा देना नहीं चाहता, ठीक है, उसकी कुछ वजह है, लेकिन अगर आप ये चार्ट सामने देख पा रहे हो तो आपको एरो नजर आ रहा है, ये जो ऊपर को रेड कलर की लाइन जा रही है, ये है दर्शन मसीह केस, 1990 में हुआ। अब ग्राफ किधर चला गया हुआ है, ये 2019 का ग्राफ है, ये 1990 का और ये 2019 का है, ये फर्क पड़ा है दर्शन मसीह केस के बाद पैटर्न ऑफ 1843 का, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कितना इजाफा हुआ है, कि जब से ये दर्शन मसीह केस हुआ है हर बंदे ने जो भी उसके साथ होता है वो 1843 के तहत पिटीशन लेके कहां पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ये डेटा आपकी समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ ये दिखाना आपको, इसका मकसद ये था कि एक अप राइट, एक अपवर्ड क्या हुआ है, ग्राफ जो है वो आया है दुनिया में, क्लियर हो गया जी। हाँ, अब आएंगे जी हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा, कि जुडिशरी जिसने ये सो मोटो एक्शन लेना है, जिसने ये सारी पावर एक्सरसाइज करनी है, उनकी अपनी क्या हैसियत है, ठीक है, उनका अपना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उनका अपना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, तो हेडिंग बना लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जुडिशरी, जी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 175 कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स होगी पाकिस्तान में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट मींस के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, दे आर बीइंग क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, 175। नंबर थ्री आर टू आर्टिकल 184, 185 एंड 186 सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बताई गई है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो पावर है 1843 दैट फॉल्स अंडर द 1843 दैट मींस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस सारे पॉइंट से मैं एस्टैब्लिश क्या करना चाहता हूं, एस्टैब्लिश ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसकी अपनी पावर्स हैं, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, क्लियर हो गई बात। लेकिन जो पॉइंट है यहां पर, वो पॉइंट रेज किया है कल के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने,
और उसमें उन्होंने दो तरह की कोर्ट्स बताई हैं दुनिया में। एक का नाम लिखी इंपीरियल कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट, और एक का नाम लिखी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कोर्ट ऑफ द लॉज। जी, और यहां पर वर्ड इंपीरियल लगने से मेरा ख्याल है आपको क्लैरिटी आ गई कि जब वो इंपीरियल कोर्ट की बात करना चाह रहे हैं तो उनसे मुराद उनसे कौन सा कोर्ट है जो डिस्क्रिशनरी हो, जो अथॉरिटेटिव हो, जो एब्सोल्यूटिस्ट हो, जिसमें वन मैन शो हो, जी शहनशाहियत का निजाम हो। और जब वो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तो उनसे मुराद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है वो भी लॉ के ताबे है, वो भी किसी कानून के तहत चल रही है, वो भी किसी दायरे के तहत चल रही है, वो भी किसी रूल एंड प्रोसीजर के तहत चल रही है, वो भी किसी जाब्ते के तहत चल रही है। समझ आ रही बात? चीफ जस्टिस होना पाकिस्तान का डज नॉट मीन दैट यू कैन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, बींग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट मीन दैट यू हैव गॉट द गारंटी एंड लाइसेंस टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसकी वजह सुनने क्यों है, और ये वजह जो है ना, इस वजह का ताल्लुक है आज के लेक्चर के साथ। ये ऐसा पॉइंट है जो सोसाइटी में डिस्कस ही नहीं होता। तो आई रियली वॉन्टेड कि जब मैं ये लेक्चर कराऊंगा तो अपने बच्चों के साथ ये पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहले लिखे जस्टिस मंसूर अली शाह, वो क्या कहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह कहते कि पाकिस्तान में जो पब कोर्ट्स हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एंड नंबर टू, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये है असल पॉइंट, कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वजह, क्योंकि कोर्ट्स किसी कॉलोनियल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोर्ट्स एक जमहूरी रियासत में एग्जिस्ट कर रही है, और जमहूरी रियासत में सॉवरन कौन होता है? पीपल आर सॉवरन। तो नो वन इज अबव पीपल, नो वन इज बियॉन्ड पीपल। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, दिस जुडिशरी इज पीपल्स जुडिशरी। So this is for, ये ट्रस्ट ऑफ द पीपल, एक और वर्ड लिखिए, ये पब्लिक ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है। जी, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इट रिप्रेजेंट्स द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। और ये कोटेशन लिख लीजिए इसी पैराग्राफ अपना, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फैसला है इसमें से मैं आपको लिखवा देता हूँ, कोटेशन बना लेना, इसको पेपर में काम आ जाएगी। देखिए वो कहते हैं कि अ कोर्ट्स कंसर्न, अ कोर्ट्स कंसर्न विद लिजिटिमेसी, अ कोर्ट्स कंसर्न विद लिजिटिमेसी is therefore not for its own sake। हम कहते हैं ना अदलिया को आजाद होना चाहिए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अदलिया का legitimize होना या आजाद होना वो for one's own sake नहीं है, but for the sake of the people to which it is responsible, not for its own sake, not for its own sake, but for the sake of the people to which it is responsible। जी, बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही? ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आएंगे जी हम बड़ी ही अपनी इंपॉर्टेंट बात की तरफ। क्लियर होगी बात आपको? यहां से एस्टैब्लिश हो गया
एक कोर्ट लॉ को वायलेट नहीं कर सकता, कोर्ट लॉ के बियॉन्ड नहीं जा सकता। ठीक, तो अब अगला सवाल ये है कि जब कोर्ट 1843 की जो अपनी पावर है जब उसको बार बार इन्वोक करेंगे, पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वोक करेंगे, तो क्या हम कहेंगे कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स? देन इट इज जुडिशियल। मैंने तो इसका नाम जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं रखा, मैं तो कहता हूं ये जुडिशियल अथॉरिटेटिव एक्टिविज्म। जुडिशियल अथॉरिटेटिव एक्टिविज्म खाली सारी जुडिशियरी नहीं कर रही, वन मैन शो है, वन मैन शो। अब यहां पर मैं यहां पर छोटी सी एक बात करना चाहता हूं आपसे कि इस सारे के ऊपर लोगों को इतराज क्यों है? व्हाट इज द इशू राइट नाउ विद द 1843? द इशू इज, मैं एक एक करके लिखता जाता हूं, इनको आप लिख लीजिए। नंबर वन जी, नंबर वन, एक तो ये जो मैटर है इस टाइम कोर्ट में चल रहा जिसके ऊपर खड़ा बना हुआ है, ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैटर कहां पर पेंडिंग है? लाहौर हाई कोर्ट। नंबर टू, और ये लफाज मेरे नहीं, ये इस फैसले के अल्फाज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के अल्फाज। नंबर वन, कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। नंबर टू, ये मैटर जो सो मोटो लिया गया है ये एक सर्विस ट्राइब्यूनल का मैटर था, सरदार गुलाम डोगर, आपको याद होगा सीसीपी लाहौर, उनकी तकर्री पोस्टिंग और उसका मसला था, वो केस चल रहा है और सडनली दो जजेस कहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन क्यों नहीं हो रही, बुलाएं सेक्रेटरी दाखला को, फलाने को, फलाने को, फलाने, और साथ ही वो एक नोट लिख देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुड टेक अप दिस केस एज अ सो मोटो, और अगले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स द सो। तो उनके कहने का ये मकसद था कि जब सर्विस ट्रिब्यूनल के मैटर कन्वर्ट होने लग पड़ेंगे सो मोटो में, तो फिर ये तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिमिटेशन लिखवाई थी 1843 पर, ठीक है, तो उसमें बार बार वो वाजे कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि वो फैसला एक्सेप्शनल हो, ठीक है, और सर्विस ट्रिब्यूनल की तरफ से आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके इंतजार कर रहे कि इलेक्शन नहीं हो रहे, आप क्या लें, सो मोटो लें, ये जायज तरीका है, इलेक्शन होने चाहिए वक्त पर। उसका तरीका यह कि आप जाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आप इंतजार करें, आप जो भी मर्जी करें, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करें कि उसको क्या लेना चाहिए, सो मोटो। लेकिन दो जजेस के, और फिर वही जजेस जो है वो उस बेंच का भी हिस्सा बन जाते हैं जो सो मोटो को क्या कर सकता है, जी वो सो मोटो को क्या कर सकता है, डिसाइड करेगा, उसका वो भी हिस्सा बन जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक। नंबर थ्री, सुप्रीम कोर्ट में तीन से चार तरह के बेंच बनते हैं, कितनी तरह के, एक का नाम होता है 1843 का बेंच, 1843 का यानी कि सो मोटो का बेंच। तो उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस कर सकता है, रूटीन के जो बेंच बनते हैं रेगुलर बेंच वो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकता है, स्पेशल बेंच वो भी कौन बना सकता है, चीफ जस्टिस बना सकता है। और अगर 1843 के तहत आपको कोई फैसला आ जाए तो उसके खिलाफ रिव्यू भी कर सकते हैं, पता है आपको, लेकिन रिव्यू के हालात ये है कि एक एक साल से रिव्यू पेंडिंग पड़े, ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर है कि वो कब उनको रिव्यू के लिए लगाएगा और कब उनको रिव्यू के लिए नहीं लगाएगा। इसका मतलब है बेंच के अलावा जो रिव्यू की पावर थी वो भी किसके पास, चीफ जस्टिस के पास। बात फॉलो कर रहे हैं आप? ठीक है, अभी मैंने जज लगाना नहीं डिस्कशन शुरू की, उस पर सेपरेट लेक्चर चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होती है।
ये आपको, ये जो बातें मैं कर रहा हूं इसको मैं बोलता हूं अथॉरिटेरियनिज्म, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज अ इंस्टीट्यूशन इज अ पब्लिक बॉडी, इट इट मस्ट रिफ्लेक्ट द पब्लिक ट्रस्ट एंड इट मस्ट रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, नॉट अ वन पर्सन। पांचवी चीज देखिए, इस मैटर पर 100 वोटो लेने और किस पर नहीं लेना, ये डिस्क्रिशनरी पावर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। समझ आ रही बात? और छठी चीज जिसका इशू है, और वो इशू सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले इंक्लूडिंग इसका फैसला मंसूर अली शाह का, उन्होंने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) को इस्तेमाल करते हुए यूनिफॉर्मिटी दिखानी चाहिए, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाना चाहिए, एक पॉलिसी लानी चाहिए, एक क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट इज पब्लिक इंपॉर्टेंस। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस साकिब निसार, पीकेएलआई बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पीकेएलआई के हेड की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, इट वॉज अ पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर। लाहौर के जेल रोड के ऊपर अस्पतालों की पार्किंग ठीक है या नहीं ठीक, इट वॉज अ पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर। लेकिन दूसरी तरफ कहीं पर 50 लोग मर जाते हैं, दैट इज नॉट द पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो मजे की बात, सातवीं चीज इसमें लिखी है कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का लफ्ज है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का वर्ड है उसको भी किसने डिसाइड करना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। बात आप फॉलो करें ठीक। उसके बाद अगली चीज जो कि कल मंसूर अली शाह ने लिखी अपने फैसले में कि अगर एक दफा बेंच बन जाए और उसकी रोल कॉल इशू हो जाए कि ये केस इस बेंच को क्या कर दिया गया असाइन, जब तक कोई जज बीमारी की वजह से, मजदूरी की वजह से, मौत की वजह से या अपनी जाति किसी वजह से उसमें से नहीं उठता, रिक्यूज नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तब बेंच को नहीं खत्म होता। ये आप बात समझ रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट को छोड़े आप सादा सी बात करें ठीक, आप में से किसी बंदे को सजा दिलानी हो ठीक, मैं एक दफा कहूं ये 5 बंदे सुनेंगे, शाम को मैं कहूं नहीं 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 5 नहीं सुनेंगे, इनमें से ये 2 को निकालो 2 को डाल दो, तो क्या ऑटोनॉमी रह गई आपकी भी और उस सुनने वाले की भी? ये चीज है कि भाईजान जो बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन है एट द स्टेज ऑफ द इश्यूएंस ऑफ रोल कॉल वो तब नहीं हो सकती, लेकिन आप करते हैं। आप क्या करते हैं इशू, तो ये मैं इशूज बता रहा हूं आपको कि 184(3) की प्रैक्टिस में इशूज क्या है। बात समझ आ रही है आप ठीक? जी 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 मसब साहब तबाही ना गए मेरे से पर्चा ना हो जाए ठीक, अभी मुझे कह रहे हैं यूट्यूब पे भी डाल दो, मुझे तो ये है कि यूट्यूब पे डाल दिया तो ऐसे ही कोई काम ना खराब हो जाए ठीक। जुडिशरी वैसे ही आजकल बड़ी जो है वो एक्टिव हुई हुई है ठीक। हाँ एनीवेज बात आपको फॉलो करनी ये इनमें से देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट जो एनालिसिस है, दीज आर ऑल आर द फैक्ट्स Written by the Supreme Court judges in their own judgment. अब आपको बात करें कि समझ आ गई ठीक। अब चलते हैं एक कोटेशन लिखें जी, काफी लंबी है ठीक है, लेकिन ये आपको लिखनी पड़ेगी, इसके बगैर मजा नहीं आना। मैंने रात को इतना टाइम लगा के लिखी है तो आपको भी लिखनी पड़ेगी ठीक है जी, लेकिन ये इससे कॉम्प्रीहेंसिव फिक्रा कोई नहीं है आज के लेक्चर को एक शेप देने की। लिखें जी, ये फिक्रा जी कैनेथ एम हॉलैंड का, KENNETH जी, KENNETH एम कैपिटल डॉट हॉलैंड, HOLLAND हॉलैंड, कैनेथ बी हॉलैंड, ये लिखते हैं जी, ये कहते हैं कि दोज जजेस, स्पीड से लिखने शाबाश और मजे से लिखने और समझ के लिखने, दोज जजेस हु बिलीव दैट, दोज जजेस हु बिलीव दैट इट इज लेजिटिमेट फॉर देम
those judges who believe that it is legitimate for them to formulate social policy are called judicial activists. Those judges who believe that it is legitimate for them to formulate social policy are called judicial activists. समझ आई बात की कोई नहीं है पॉलिसी डोमेन किसकी इधर देखिएगा बोर्ड पे पॉलिसी डोमेन किसकी ये लेजिस्लेचर की डोमेन है ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है लेकिन वो कहते हैं कि दोस जजेस हु कंसीडर इट लेजिटिमेट कि हमारा ये काम है हम कर सकते हैं दोस आर कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविस्ट आगे लिखिएगा देयर कोलीग्स हु वुड कन्फाइन द जुडिशरी कन्फाइन वर्ड को गौर से सुनिएगा हु वुड कन्फाइन द जुडिशरी to the task of applying to specific case laws, specific पे भी ध्यान दीजिएगा, judiciary to the task of applying to specific case laws and regulations. Confine the judiciary to the task of applying to specific case laws and regulations are called the advocates of judicial restraints are called the activists of या advocates of judicial restraint. तो यहां से दो terminology सीख लें गौर से सुनिएगा 184(3) का एक्सेसिव इस्तेमाल करना जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है और उसका सिलेक्टिव एंड केयरफुल इस्तेमाल करना जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहलाता है अक्सर आपने लफ्ज सुना होगा पॉलिटिशियन के मुंह से जुडिशरी को रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करना चाहिए वो रिस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं होता कि फैसला नहीं देना चाहिए रिस्ट्रेंट का ये मतलब होता है कि 184(3) को केयरफुली अप्लाई करना चाहिए ठीक ये होगी बात अभी ये खत्म नहीं होगी ये दो एक्सट्रीम्स बता दी एक कौन है और दूसरे अब वो अगला तीसरा फिगर लिखे और ये कोटेशन मुकम्मल हो जाएगी प्रोफेसर लिखता है कि द हार्ट ऑफ इशू बिटवीन देम इज द प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्ट्स ऑन द वन हैंड The heart of the issue between them is the proper relationship between the courts on the one hand and the legislature and administration on the other hand. The heart of the issue between them is the proper relationship between the courts on the one hand and the legislature and administration on the other hand. So, yahan se students. हमने सीखा ये कि सेपरेशन ऑफ पावर मोंटेस्क्यू का जो आइडिया था उसका मकसद था इन तीनों ब्रांचेस के दरमियान एक बैलेंस्ड एंड एक वर्केबल एक बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए ठीक है एक मेंटेन एक बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए ये भी नहीं कि ये बात ही ना करें और ये भी नहीं कि ये इतनी बात करें एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को क्या करते पैरालाइज करते बात फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो अब हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में 184(3) के तहत लिटिगेशन हुई है इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अच्छे फैसले भी किए या कोई नहीं किए अब इसको लिखे के लिए 84(3) के थ्रू फंडामेंटल राइट्स और अवाम का फायदा भी हुआ ये नहीं कि हर दफा क्या हुआ नुकसान ही हुआ ठीक है ना आपका एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नंबर वन पहला केस जिसमें फायदा हुआ पब्लिक का बेनजीर भुट्टो केस
जिसमें बेनजीर भुट्टो को रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा केस दर्शन मसीह केस, एक लीगल थोड़ी सी गुंडी है टर्मिनोलॉजी या समझा दूं, एक वर्ड होता है लोकस स्टैंडी, LOCUS STANDI, लोकस स्टैंडी। सुप्रीम कोर्ट में ना 1988-90 से पहले जब भी कोई केस जाता था ना 1843 का, सुप्रीम कोर्ट कहती थी चूंकि ये जो बंदा इधर आया ना दरखास्त लेके, ये चूंकि पर्सनली अग्रीव नहीं है लिहाजा इसकी पिटीशन नहीं आ गई, बात किसी और की हो रही है, ये अभी आ गया दरखास्त लेके, ये अभी आ गया कि मैं ये 1843 के तहत रिलीफ दिया जाए। इस केस में दर्शन मसीह केस में लोकस स्टैंडी को और बेनजीर भुट्टो केस में लोकस स्टैंडी को एक्सटेंड किया गया, उसको सपोर्ट किया गया कि कोई बात नहीं, कोई भी बंदा उसके बिहाफ पर क्या कर सकता, ट्रांसपोर्ट अपना केस जो है उसको फाइल कर सकता, ठीक है। इट हेल्प्ड, देखो ना एक एनजीओ है वो कहती है पाकिस्तान के बच्चे जो है वो सड़कों पर रात को सोते हैं, तो स्टेट को कहीं इनके लिए कुछ करे, तो स्टेट कोर्ट कहेगी ना कि आपके वो बच्चे क्या लगते हैं, आप घर जाए, आप प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, तो फिर इस तरह तो पाकिस्तान में किसी का भी राइट जो है उसको हम ठीक करा ही नहीं सकते। इसी तरह इंडिया में हुआ था, कच्ची आबादियां, गरीब लोग, डिप्रेस्ड क्लासेस, वो कैसे, सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस आपको पता कितनी, बंदे को चक्कर आ जाएगा सुन के, ठीक है। मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा सर झूठ बोल रहे, इसलिए मैं नहीं बता रहा, खुद ही पूछ लीजिएगा किसी से, ठीक। और नहीं कौन सा कोई राज है जो मैंने बताना है, मतलब करोड़ों में फीस, करोड़ों में फीस, आम आदमी अफोर्डिंग करोड़ रुपया दिए है। तो अब क्या होगा, क्या कोई भी बंदा उनके बिहाफ पे केस ही नहीं कर सकता, तो लोकस स्टैंडी को एक्सटेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केसेस। नंबर थ्री एक केस है गुलाम अली वर्सेस मिस, जी गुलाम अली वर्सेस मिस गुलाम सरवर नकवी, ये जेंडर स्टडीज के बच्चे गौर से भी ये भी सुनिएगा, जेंडर के ऐसे में भी ये केस आप लिख सकते हो, गुलाम अली वर्सेस मिस गुलाम सरवर नकवी। पहली दफा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शंस दी कि ये जो जायदाद पे कब्जा करके बैठे ना बेटे भाई और बाप, इनको समझाओ और औरतों का राइट ऑफ इनहेरिटेंस उसको इंश्योर कराने के लिए रियासत को इकदाम लेने चाहिए। ये लैंडमार्क जजमेंट थी वुमेन राइट्स के इतबार से, गुलाम अली वर्सेस मिस गुलाम सरवर नकवी। आर्टिकल 25 एक्ट पाकिस्तान का पता है आपको क्या है, आर्टिकल 25, वो तो 25 ए है ना, इक्वालिटी ऑफ द सिटीजंस, इसको इंश्योर कराने के लिए एक केस ला लिखी, शीरी मुनीर केस, CHIRIN श्री मुनीर केस। इसमें आर्टिकल 25 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के जो शहरी उनके दरमियान बराबरी का जो असूल है उसको रियासत को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज में और सारी डायरेक्शंस में इक्वालिटी को इंश्योर कराए। एक और केस लिखी, इस्माइल कुरैशी वर्सेस मोहम्मद अवैस कासिम, इस्माइल कुरैशी वर्सेस मोहम्मद अवैस कासिम, इसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन के अंदर इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि एजुकेशन को लेके तो चीजें ठीक की जाए। एक और केस लिखी, शैला जिया वर्सेस वापडा, शैला जिया वर्सेस वापडा, एक हक है आईन में आपको पता है कौन सा हक है, जिंदा रहने का, राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा रूलिंग दी थी कि राइट टू क्लेम एनवायरनमेंट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, साफ हवा में सांस लेना यह भी जिंदा रहने का हक है। ये जो पोल्यूशन, ये जो ग्रिड स्टेशन, एयरपोर्ट, ये जिस तरह का जितना नॉइजी, ये शहरों के अंदर आपको पता है वो लूम्स लगती है छोटी, वो मशीनें
ये इन सब चीजों से बचाने के लिए उन्होंने ये डिसीजन किया कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाने लोगों, ये राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और भी बड़े केसेस हैं, स्टील मिल का केस है इफ्तिखार चौधरी के दौर में, ठीक। फिर ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट लाहौर का केस है, ये कनाल रोड को एक्सटेंड करके जो बनाने लगे थे। इसी तरह मरी की गैस लाइन का प्रोजेक्ट है, मरी गैस लाइन पावर प्रोजेक्ट, उसमें भी इनको शुबा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ और ये हमजा और ये बाकी लोग इनको फायदा हो जाएगा, तो फिर उन्होंने इसको रिवर्स करवा दिया। लेकिन अब हम उन केसेस की बात करेंगे जो साबित करते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशियल एक्टिविज्म किया। क्या किया जी? जुडिशियल एक्टिविज्म किया, जिसमें एक इदारे ने बाकी इदारों के जो मामलात है उसके अंदर इंटरफेरेंस की, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को तोड़ा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को वायलेट किया, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को चैलेंज किया और बैलेंस ऑफ पावर को खराब करने की कोशिश की। अब आएंगे जी उन केसेस की तरफ या उन इराज की तरफ। दो इराज हैं जी लार्जली, आप सबको पता है जी, टू इराज। नंबर वन द इरा ऑफ इफ्तिखार चौधरी एंड दूसरा द इरा ऑफ चीफ जस्टिस साकिब निसार। द इरा ऑफ इफ्तिखार चौधरी एंड द इरा ऑफ चीफ जस्टिस साकिब निसार। लेकिन और भी बड़े केसेस हैं यहां पर जी। एक कोटेशन लिखी इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले, वो कोटेशन है जी, द रोल ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ, द रोल ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड मोल्ड इट एंड मोल्ड इट to meet the needs of जी। The role of judiciary is to interpret the law and mold it to meet the needs of the changing time while remaining outside the sphere of politics, politics. मैं दोबारा बोल देता हूं, द रोल ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड मोल्ड इट टू मीट द नीड्स ऑफ चेंजिंग टाइम व्हाइल रिमेनिंग आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ी थिन लाइन है, ठीक है, जो क्रॉस हो जाए तो जुडिशियल इंटरफेरेंस हो जाती है और अगर वो बरकरार रहे तो बैलेंस ऑफ पावर भी बरकरार रहता है। क्लियर होगी बात जी? तो तारीखी तौर पर देखा जाए तो कुछ केसेस का पता होना चाहिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में। नंबर वन मौलवी तमीजुद्दीन केस, 200 केस, सैयद जफर अली शाह केस, बड़ा मशहूर केस है परवेज मुशर्रफ के दौर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था परवेज मुशर्रफ को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजिंग और अमेंडमेंट करता चाहता है वो कर ले। सैयद जफर अली शाह केस, लेकिन इट वॉज द इफ्तिखार चौधरी हु एक्चुअली यू नो यूज्ड हिज पावर सो एक्सेसिवली, सो अबंडेंटली, सो रिचली। मसलन पहला केस लिखिए, इस्लामाबाद का एक सेक्टर है E11। ये सेकंड केस मैंने बोला था 200 केस बदिया, 200 केस DOSSO 200 केस, इस्लामाबाद का एक सेक्टर है जी E11। ये केस चला था एक हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के दरमियान, जिसमें इफ्तिखार चौधरी ने CDA को डायरेक्शन दी थी कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। तो आज भी जुरिस्ट कहते हैं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था जिसको चीफ जस्टिस ने फॉर सम रीजन जुडिशियल मैटर बना दिया था। केस का नाम लिख लें, CDA वर्सेज मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी, CDA वर्सेस मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी। प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी। एक और केस लिखिए, हज प्रोग्राम केस। इफ यू रिमेंबर
तो हज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हज का जो प्रोग्राम होता है, कुछ हाजियों ने शिकायत की कि जी गवर्नमेंट ने हमसे पैसे ज्यादा लिए और जो सहूलतें मदीना और मक्का में वो मुनासिब नहीं है। तो इफ्तिखार चौधरी ने 100 वोटो लिया था, और सिर्फ 100 वोटो नहीं लिया था, उस टाइम के जो रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर थे साहबजादा हामिद अली खान, उनको अरेस्ट करवाना। फॉलो कर रहे हैं बात? एग्जेक्टिव के एक बंदे को क्या करवा दिया? अरेस्ट करवा। नेक्स्ट, शुगर प्राइस कंट्रोल, 40 रुपए चीनी बेचने का हुक्म दिया और गवर्नमेंट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इंश्योर कराना आपकी जिम्मेदारी, यानी कि कीमतों का तायुन भी जो है वो उस टाइम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। नंबर फोर, बिजली चोरी, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस, मुल्क नेशन वाइड इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के खिलाफ क्रैक डाउन करवाया गया ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की एक और भी पावर होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करके यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उनको रिमूव कर दिया ऑफिस, नहल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसी तरह मिसिंग पर्सन का केस, मिसिंग पर्सन के केस में चार पांच पार्टीज हैं, मिसिंग पर्सन की फैमिलीज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। इतना सिंपल मैटर नहीं है, समझ आ रही है ना बात की? हमने आज तक मिसिंग पर्सन का जो मुकदमा सुना है वो वन साइडेड सुने, हमने कभी स्टेट का मौकफ सुना ही नहीं, क्योंकि स्टेट कभी बोली नहीं, स्टेट तो काम करती है बस अपना जो उन्होंने करना होता। ठीक, तो ये सारे मैटर को इफ्तिखार चौधरी ने जुडिशलाइज कर दिया, उसको नाम लिखे मिसिंग पर्सन केस। रोज रिटायर्ड फौजियों को बुलाते थे, हाजिर सर्विस फौजियों को बुलाते थे, उधर बिस्ती करते थे, उनको थापड़े थपड़े मारते थे, ठीक, और बस डायरेक्शन जारी करते थे, क्योंकि मसला ना तब हल हुआ ना आज हल। तो क्विक क्विक जस्टिस करने के चक्कर में, क्विक फिक्स फेमस होने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में, लेगेसी छोड़ने के चक्कर में हम फिर इस तरह के काम करते हैं जी। उसी तरह जी बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाए साकिब निसार, इन डैम हो यानी कि इन्वायरमेंट हो, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन हो, पीकेएलआई का केस हो, आर्टिकल 62-63 के तहत नाहलियों के केस हो, जी ये तमाम केस जो हैं ये फॉल करते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल। क्लियर होगी पांच? अब आएंगे जी हम, ये सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, समझ आ गई, हम फायदे भी लिख लिए हमने, उनकी तारीफ भी कर ली, तनकीद भी कर ली, उसका नुकसान क्या हुआ वो भी कर लिया। अब आखिरी बात कि ये जो कल एक्ट आया, आज मेरा ख्याल है ये हो गया है, पास भी हो गया, तो फिलहाल हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से नहीं देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे गवर्नमेंट ने किया क्या, तभी तनकीद कर सकेंगे ना या उसको। नंबर वन, आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का राइट नहीं, अब अपील का राइट, पहले अपील का राइट नहीं था, रिव्यू का राइट था, और रिव्यू की हकीकत मैंने आपको बता दी कि डेढ़ डेढ़ साल से, साल साल से रिव्यू पिटीशन पेंडिंग पड़ी, वो अभी तक भी नहीं लगाई थी। नंबर वन। नंबर टू, अब जब 184(3) का मैटर आएगा, यानी कि आज खुद नोटिस लेना है, तो पहले वो डिसाइड करता था सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब थ्री मेंबर्स कमेटी, उसको हेड करेगा चीफ जस्टिस,
और उसके साथ दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं सीनियर मोस्ट, और इनमें जो फैसला हुआ करेगा वो अक्सरियत की बुनियाद पर होगा, यानी कि 2-1 से, 3-0 से या 2-1 से डिसाइड करेंगे कि क्या इस चीज के ऊपर सो वोटो लेना भी है या नहीं लेना। नंबर थ्री, अब सो वोटो के लिए जो बेंच बन रहा है जिसने वो दरखास्त सुननी है, समझे कि मंजूर हो गया ना कि सो वोटो लेने ही लेने, अब उसका जो बेंच बनाने का फैसला है वो अकेला चीफ जस्टिस नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा? ये कमेटी करेगी। उसका फैसला कौन करेगा? ये कमेटी करेगी। जी, ये कमेटी ये खुद नहीं करेगी, ये मतलब खुद से मुराद है ये कमेटी के अलावा जो दो होंगे, ये कमेटी के मेंबर भी खैर हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा नहीं होगा, वो बेंच चीफ जस्टिस के बनाने का इख्तियार नहीं होगा, ठीक। और चौथी चीज, सुप्रीम कोर्ट उसको कब सुना करेगा? पहले तो वही बात है, साल साल भी पेंडिंग पड़ी रहती है। अब इन्होंने 14 दिन का टाइम कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर होगा उसको विद इन 14 डेज आपने हेयरिंग के लिए लगाने लगा, ताकि जो दरखास्त देने वाला है उसको इंसाफ मिल सके। और अपील के लिए अभी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन अभी मैंने सुना है कि मोहसिन दावड़ ने तरमीम पेश की थी कि 30 दिन का टाइम दें, 30 डेज का टाइम दें, तो उसको मंजूर कर लिया है बाद में। तो 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या फाइल कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते, ले रोगे बात। हमने हर बंदे ने आप अपनी जजमेंट बनानी है कि क्या ये चीफ जस्टिस का अपनी आर्टिकल 184(3) के तहत जो पावर्स है उसका जो अब्यूज हो रहा था, जो मिस यूज हो रहा था, उसकी जो डिक्टेशन थी, क्या सिर्फ उसको रेगुलेट किया गया या अदलिया की आजादी पर हमला किया गया? दो इंटरप्रिटेशन हो सकते, आइदर इट इज अ रेगुलेशन ऑफ द चीफ जस्टिस पावर अंडर 184(3) और इट इज अटैक ऑन द जुडिशियरी। ये जो भी बातें आज की हैं हमने, ठीक है, ये आप लोग जो है अपनी अपनी जो जजमेंट है उसको खुद बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज हमारा काम है तज्जिया करना, हमारा काम बच्चों को किसी मखसूस तरफ मोड़ना नहीं है कि जी आप पीटीए के हाथ में सोचे, क्योंकि सोसाइटी है इस टाइम पोलराइज्ड, जुडिशरी भी है पोलराइज्ड, सियासत भी है पोलराइज्ड, ठीक है, मीडिया भी है पोलराइज्ड। तो अगर मैं कहता हूं कि ये इंक्रोचमेंट है तो आधे बच्चे कहेंगे सर नहीं, हमने जो कुछ पढ़ा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये वाकई होना चाहिए, वो तो डिक्टेटर बना हुआ था। और अगर मैं ये कहूं कि ये अदलिया पर हमला है, या सॉरी अदलिया पर हमला है, तो आधे बच्चे के अपना सॉरी ये वो है जायज अमेंडमेंट है, तो आधे बच्चे कहेंगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो चीफ जस्टिस ने जो कल फैसला देना उसको रोकने के लिए ही। फॉलो कर रहे हैं बात? लिहाजा दोनों ही इंटरप्रिटेशन जो है वो आप अपनी लॉजिक के साथ इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना। दो बातें मैं आपको बताता हूँ, शायद वो आपको खुद से सोचने में मसला हो। नंबर वन, कि जो इसकी टाइमिंग है और जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये दोनों चीजें इस बिल को मुतनाजा बना रही है, जुडिशरी की तरफ से रिएक्शन आ सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि अगर ये चैलेंज हो जाए और सुप्रीम कोर्ट पास्ट तारीख एक केस है, कल मैंने सुने बाज मोहम्मद काकड़ केस, कौन सा बाज मोहम्मद काकड़ केस, उसमें इसी तरह का एक लॉ बनाया था पार्लियामेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सही, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी तो पार्लियामेंट ने अपनी मूव चली है ना, अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। तो इसीलिए चूंकि ये मामला अभी चूंकि कोर्ट के सामने पेंडिंग है, ठीक है, तो कोई मतलब अभी इसके ऊपर आगे बात नहीं हो सकती, जितनी को बात हो सकती थी उतनी हमने कर दी। अब आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म का सवाल आ जाए, रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स सवाल आ जाए, सही है, अगर जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू का सवाल आ जाए, ठीक है, जुडिशरी और पार्लियामेंट के रिलेशनशिप का सवाल आ जाए, ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमारा स्टूडेंट जो है वो इज मोर देन केपेबल ऑफ 20 मार्क्स क्वेश्चन
और आपने आप किसी आप टीवी पर बैठोगे ना टॉक शो सुनोगे, मैं गारंटेड कहता हूँ कल की निस्बत आज बेहतर समझ आएगी, क्योंकि आज उसका माहौल, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी जो डिस्कशन है वो भी साथ साथ क्या है आपके खुद अपने दिमाग में भी चीजें चल रही होती। क्लियर हो गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चले जी, थैंक यू सो मच, ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सी यू। थैंक यू जी, थैंक यू।